यूक्रेन की नेटो में शामिल होने की जिद को लेकर रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमला कर युद्ध छेड़ दिया था और युद्ध को लगभग 2 साल होने को है, लेकिन अभी तक यूक्रेन की नेटो में एंट्री नहीं हो पाई है। बल्कि यूक्रेन के बजाय रूस के एक और पड़ोसी फिनलैंड को इस साल अप्रैल 2023 में नेटो में भर्ती कर लिया गया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पुतिन फिनलैंड पर भी यूक्रेन जैसा रवैया अपना सकते हैं। दरअसल रूस के सरकारी टीवी चैनल रशिया वन को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने फिनलैंड को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। पुतिन ने अपने बयान में कहा कि नेटो में शामिल होने के बाद पड़ोसी देश फिनलैंड के साथ दिक्कतें हो सकती हैं। पश्चिम ने फिनलैंड को शामिल किया और सीधे नेटो को इसमें घसीट लिया। क्यों? क्या हमारे फिनलैंड के साथ कोई विवाद थे? सभी भूखंड विवाद थे जो 20वीं सदी के मध्य में थे, वो काफी पहले सुलझ चुके हैं। पुतिन ने आगे कहा कि फिनलैंड के साथ कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब होगी, क्योंकि अब हम वहाँ पर लेनिनग्राड मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे और हकीकत में वहाँ पर मजबूत मिलिट्री टुकड़ियां बनेंगी। हालांकि नेटो से सीधी टक्कर को लेकर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की उस टिप्पणी को खारिज कर दिया है, जिसमें बाइडेन ने कहा था कि पुतिन यूक्रेन पर हमला करने के बाद ही नहीं रुकेंगे, बल्कि वो एक नेटो सहयोगी देश पर भी हमला करेंगे। हालांकि बाइडेन की इस टिप्पणी पर पुतिन ने कहा कि कोई कारण नहीं, कोई रुचि नहीं, कोई भौगोलिक रुचि नहीं, ना ही आर्थिक, ना ही राजनीतिक, ना ही सैन्य रुचि। नेटो देशों के साथ रिश्ते खराब करने की कोई इच्छा नहीं है, हम नेटो देशों के साथ संबंध विकसित करने के इच्छुक हैं। ये पूरी तरह से बकवास है और मुझे लगता है कि राष्ट्रपति बाइडेन इसे समझते हैं। ये केवल रूसी धुरी पर एक गलत नीति को सही ठहराने की कोशिश में इस्तेमाल किया गया भाषण का एक अलंकार है। ये गलत निर्णय है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अमेरिका के राष्ट्रीय हितों के अनुरूप है। मुझे नहीं लगता कि अमेरिका आज रूस की रणनीतिक हार में रुचि रखता है। भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए और 20 साल पहले उनके सार्वजनिक बयानों और विचारों के विपरीत है। पुतिन का कहना है कि उनका नेटो देशों के भीतर कोई जमीनी दावा नहीं है। आपको बता दें कि रूस के साथ फिनलैंड का 1300 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है और फिनलैंड नेटो का 31वां सदस्य देश बन गया है, जिससे रूस के साथ नेटो की सीधी सुरक्षा सीमा दोगुनी हो गई है। और फिनलैंड को जब नेटो का सदस्य बनाया जा रहा था, तब पुतिन ने नेटो से अपने विस्तार को सीमित करने की मांग की थी, लेकिन युद्ध के हालातों और फिनलैंड की सुरक्षा को देखते हुए उसे नेटो में शामिल किया गया। और पिछले साल ही फिनलैंड ने घोषणा की थी कि वो रूस के साथ अपने 1300 किलोमीटर के बॉर्डर की बाड़ेबंदी करेगा, जिसका इस्तेमाल सुरक्षा के मद्देनजर होगा। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते ही फिनलैंड ने रूस के साथ अपने बॉर्डर को ये कहते हुए बंद कर दिया था कि सैकड़ों रूसी लोग गैर कानूनी रूप से बिना वीजा के फिनलैंड में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले पिछले महीने फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेरी ओर्पो ने रूस पर अपने लोगों को उपकरण के रूप में इस्तेमाल करने और गला देने वाली सर्दी में फिनलैंड के बॉर्डर तक भेजने का आरोप लगाया था। फिनलैंड का कहना है कि वो इस अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है।